नमस्ते दोस्तों, जयपुर जायका में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम एक ब्रेकफास्ट की रेसिपी बनाएंगे। तो ये प्रोटीन से भरी होगी, तो आज हम पोहा बनाएंगे, थोड़ा उसमें स्प्राउट्स डालेंगे। तो आइए बनाते हैं इस टेस्टी से रेसिपी को। तो देखिए, एक पैन में हम इसके लिए सबसे पहले थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और ऑयल गर्म होने पर इसमें हम राई का तड़का लगाएंगे। और अगर आपको जीरा पसंद है तो आप थोड़ा सा जीरा भी डाल लीजिए इसमें। कड़ी पत्ता भी डाल सकते हैं आप यहाँ पर। और एक छोटा प्याज मैंने काट के लिया है, इसे हम भून लेंगे। तो बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए कुक करें आप इसे मीडियम फ्लेम पर। और देखिए, एक छोटा टमाटर लिया है, बारीक काट लिया, इसे भी 1-2 मिनट के लिए भूनेंगे। और हल्दी पाउडर और मिर्च पाउडर डालेंगे, इन्हें अच्छे से मिला लेंगे और 1 मिनट के लिए फिर से भूनेंगे। अब देखिए, मैंने एक छोटा कटा हुआ आलू लिया है जो कि बॉयल आलू था। और ये मैंने स्प्राउट्स लिए हैं, ये मूंग हैं, मोट हैं और काले चने हैं, उनके स्प्राउट्स हैं। तो आप चाहें तो इन्हें बॉईल करके भी ले सकते हैं, ये मैंने यहाँ पर कच्चे ही लिए हैं। तो अब इन सबको मिलाकर देखिए, थोड़ा नमक डालेंगे और इन्हें सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए भूनेंगे। हमें बहुत ज़्यादा स्प्राउट्स को नहीं पकाना है, 2 मिनट में सब कुछ बहुत अच्छे से कुक हो जाएगा। आलू भी बॉयल थे हमारे, तो देखिए अच्छे से कुक हो गए हैं। अब यहाँ थोड़ा सा हरी मिर्च डालेंगे। और ये पोहा देखिए, एक छोटी कटोरी पोहा मैंने धोकर भिगोकर रखा था, अब हम ये डाल देंगे यहाँ पर और इसे अच्छे से मिलाएंगे, 2 से 3 मिनट कुक करेंगे। और लास्ट में इसमें हम नींबू डालेंगे। तो देखिए कितनी जल्दी ये ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है। और थोड़ा सा ऊपर से हम धनिया डालेंगे। तो ये देखिए, स्प्राउट्स वाले पोहे रेडी हैं, बहुत आसानी से और बहुत फटाफट बन गए हैं। तो नॉर्मल पोहे में हमने इतना अच्छा हेल्दी ट्विस्ट डाल दिया है, प्रोटीन डाल दिया इतना सारा। तो आप बनाइए इसे, पोहा तो हम रोज़ ही खाते हैं, स्प्राउट्स डाल के बनाइए, बहुत हेल्दी बनेगा और कोई एक्स्ट्रा मेहनत हमें नहीं करनी है।